बापू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख पावेगा तू राम राम बोल बंदिया, बड़ा सुख तक हरिद्वार में जो साधना सत्संग हो रहा है, दिल्ली एवं आसपास से जिन साधकों के नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लगी हुई है, मेहरबानी करके जाने से पहले देखते जाइएगा। जिन साधकों के नाम स्वीकार हुए हैं, एक तो समय पर पहुंचने के लिए विशेष निवेदन, दूसरी
जैसा कि पता चला है कि दीपावली के अगले दिन ये साधना सत्संग शुरू होने जा रहा है। अभी ही अपनी टिकटें बुक करवा लीजिएगा, रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। मुझे अपनी टिकट रिजर्व करवाने के लिए बहुत कठिनाई पड़ी। टिकट्स आर नॉट अवेलेबल, काउंटर्स आर क्लोज्ड। तो इतना रश है उस तरफ, तो बस से जाइए, किसी भी साधन से पहुंचिएगा। जिनके नाम स्वीकार हो गए हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि समय से पूर्व पधारने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। कल पूर्णिमा थी, महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिवस। एक महान संत जिनका उपकार संसार कभी भूल नहीं सकेगा, जो रचनाएं इन्होंने रची हैं, कोई एक रामायण नहीं रची और रामायणें भी रची हैं इन्होंने। बहरहाल जिस रामायण से हम परिचित हैं, वाल्मीकि रामायण, वह सिर्फ हमारी ही नहीं है, दक्षिण भारत की नहीं है, लगभग 300 रामायणें जानी जाती हैं और अनेक देशों में इनका पाठ होता है। राम जैसे चरित्र का वर्णन जिस ढंग से महर्षि वाल्मीकि ने किया है देवियों सज्जनों, बड़ा अनूठा है, बड़ा अनुपम है, सत्य है, अपने जीवन में उतारने योग्य है। समग्र चरित्र तो प्रभु राम का जीवन में उतारना बसाना अति दुष्कर होगा। आंशिक भी यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए, वह संसारी नहीं रह सकता, वह साधक हो जाएगा। मानव संसार में रहता हुआ भी वह अनासक्त जीवन व्यतीत करने वाला हो जाएगा, उसका जीवन शांत एवं आनंदमय जीवन हो जाएगा। उसको पता लगेगा कि जीवन आदर्श किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से मुझे अपने आप को दिव्य प्रेम से परिपूरित करना है और किस प्रकार मुझे इसे दोनों हाथों से, खुले हाथों से इसे बांटना है। यही था प्रभु राम का चरित्र। जो नीचे थे उन्हें ऊपर उठाया और जो ऊपर थे उन्हें उछाला, ऐसे मंच पर लाके उन्हें खड़ा कर दिया। नीच से नीच को ऐसे मंच पर खड़ा कर दिया कि जिस मंच पर महर्षि वशिष्ठ और प्रभु राम के अपने भाई बैठते हैं। ऐसा अनूठा प्रभु राम का चरित्र। चर्चा चल रही थी साधकों, कल मैं बधाई नहीं दे सका आपको, आज आप सबको मांगलिक दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चर्चा चल रही थी मन को प्रबोधन की, आपसे अर्ज की गई थी मन की पांच विशेषताएं। सर्वप्रथम चंचल है, अस्थिर। मन चंचल है, हर वक्त अस्थिर रहता है, एक जगह से, एक विचार से, एक स्थान से दूसरे पर जंप करना इसका स्वभाव है। वही पांच विशेषताएं आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। मन चंचल है, अस्थिर है, सबका एक जैसा ही है। जब तक किसी ने मेहनत करके साधना से इसे सिधाया नहीं है, तब तक मन
इसी प्रकार से बंधन का कारण बना रहेगा। सर्वप्रथम मन चंचल है, मलिन है, इसके अंदर दुर्गुण दोष दुर्विचार भरे पड़े हैं। मन नाम का कोई शरीर में आर्गन तो नहीं है, इट इज जस्ट ए बंडल ऑफ थॉट्स। संत महात्मा कहते हैं मन नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे लिवर है, हार्ट है, आईज है, ईयर है, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कोई ऑर्गन बॉडी में नहीं है मन। इट इज जस्ट ए बंडल ऑफ थॉट्स, इसको मन कहा जाता है। अंतःकरण के जो चार भाग हैं, अंतःकरण चतुष्ट, उनमें से एक मन भी है। स्वभावता जैसे पानी का स्वभाव है नीचे को बहना, इसे ऊपर चढ़ाना होगा तो आपको कोई यंत्र चाहिए होगा, कोई मोटर लगानी पड़ेगी, पानी ऊपर चढ़ेगा। नहीं तो स्वभावता इसका स्वभाव है नीचे जाने का, मन का भी यही स्वभाव है। अपने दुर्गुणों के कारण, विकारों के कारण, दुर्विचारों के कारण इसका स्वभाव है नीचे की ओर ले जाना। नहीं चाहता कि कोई साधक बने, और हमें भी संसारी रहने में बड़ा आनंद है, दोनों की निभ रही है। मन नहीं चाहता कि तू साधक बन, मन चाहता है तू संसारी ही रह, इसमें बड़ी मौज है। अध्यक्ष तो हम बनना चाहते हैं लेकिन साधक नहीं, ये मन का खोटा खेल है। सचिव तो हम बनना चाहते हैं, पोजीशन तो सत्ता तो हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हर कोई मेरा कहना माने, हर कोई मेरे अनुसार चले, ये मन के खोटे खेल है। जो इन्हें पहचान गया इस जन्म में बाजी मार गया, मानो अगले जन्म तक, उससे अगले जन्म तक कुछ पालेगा। जिसको यदि अभी यही बोध नहीं हुआ, वह तो उसकी तो यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मानव जन्म जो मुझे मिला हुआ है मैंने इसे बर्बाद कर दिया। मन मलिन है, नीचे की ओर ले जाने वाला, हर एक को नीचे की ओर ले जाता है। अभी आप जी से अर्ज की पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र चाहिए, तो मन को ऊपर ऊर्ध्वमुखी करने के लिए मंत्र चाहिए। परमेश्वर की कृपा का मंत्र आपके पास है। सदा भूखा मन स्वभाव, आपकी सेवा में अर्ज किया जा रहा है, सदा भूखा, इसकी भूख कभी तृप्त नहीं की जा सकती, सदा भूखा रहेगा। इसे और मात्र और ही नहीं, नया नया बेटर बेटर चाहिए। सदा भूखा मूर्ख है। संत महात्मा कहते हैं चौथा लक्षण है मन का, मूर्ख है, समझता नहीं है। मूर्ख कौन जो समझता नहीं, पागल है। अंतिम लक्षण पागल, जानता हुआ भी कि ईर्ष्या द्वेष घृणा अभिमान अच्छे नहीं है, उसके बावजूद भी, जानता हुआ कि ये काम गलत है, उसके बावजूद भी बार बार आपसे वही काम करवाता है, ये मन की खोटी चाल, मन का पागलपन। हम सब प्रसाद चुनो, परमेश्वर की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, शास्त्र की कृपा है। कोई शक नहीं ना किसी को, है ना, परमात्मा की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। अभी आपने पाठ किए, अमृतवाणी का पाठ किया, भक्ति प्रकाश का पाठ किया, मानो शास्त्र की कृपा भी है। एक
लेकिन बिग क्वेश्चन मार्क, हम वहीं के वहीं हैं, टस मस नहीं हो रहे। हमारा अभिमान शायद किसी का थोड़ा सा कम हुआ हो, लगता तो नहीं, कम से कम मुझे अपने जीवन से तो नहीं लगता। ईर्ष्या कम हुई हो, द्वेष कम हुआ हो, घृणा कम हुई हो, मन मनोमुखी ना रह के तो गुरुमुखी या ईश्वर उन्मुख बना हो। मात्र दो माला राम राम की फेरने को मत सोचिएगा कि आपका मन ईश्वर के उन्मुख हो गया हुआ है। आप माला तो फेरते हो राम राम की, लेकिन हो तो न्यू जर्सी में बैठे हुए, हो तो आप मेरीलैंड में बैठे हुए, न्यूयॉर्क में बैठे हुए, जम्मू बैठे हुए, इत्यादि इत्यादि। ऐसे मन को ईश्वर उन्मुख मन नहीं कहा जाता, ऐसे मन को गुरुमुख नहीं कहा जाता। ऐसा व्यक्ति मनोमुख होता है, वह मन के उन्मुख है। जहां जहां उसको मन ले जाता है वहां वहां वह जाता है। अभी तक उसके जीवन में स्थिरता नहीं आई, आज इस तीर्थ पर, कल दूसरे तीर्थ पर, परसों तीसरे तीर्थ पर, आज वेदांत पढ़ा जा रहा है, आज भक्ति का मार्ग पढ़ा जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। मानो इस मन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिरता इसने नहीं आने दी, क्यों स्वयं अस्थिर है। एक संत महात्मा दिव्य सज्जनों विचरते रहते, जहां कहीं भी जाते खोज होती कि आसपास कोई संत महात्मा है अन्य, तो मैं उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। आज जिस जगह गए वहां से सूचना मिली कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक संत महात्मा पिछले 50 वर्ष से रहते हैं, लेकिन बड़े कठोर है, मानो संसार के काबू नहीं आते। जो संसार के काबू आ गया देवी सज्जनों, आप गुस्सा करो जो मर्जी करो, वह संत नहीं रह सकेगा। मानो संसार उस व्यक्ति का दुश्मन है, जो उसकी संताई को जो है वह कम करना चाह रहा है, जो संत को संत नहीं बनने देने रह रहा, वह दुश्मन है संसार, वह सही व्यक्ति नहीं है। 50 साल से वहां रह रहा है, किसी संसारी को मिलता नहीं। जो कोई उसके पास उसको मिलने के लिए जाता है, उसे इतनी जोर से डांटता है कि फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की। एक सुना है, बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत उच्च कोटि का संत महात्मा है, चेहरे से लगता है कि इसके पास कुछ है, इसके पास बहुत कुछ है, और कुछ हो ना हो इसके अंदर परमात्मा का नूर टपकता है, इसके अंदर परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम। जैसे जैसे बातें सुन रहा है ये संत, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, मैं दर्शन करने जाऊंगा। लोग रोकते हैं, मत जाना, चिमटा मारता है वह, मत जाना उसके पास, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। रात को नींद नहीं आई इस साधु को, सुबह उठते बिना किसी से सलाह किए हुए चल पड़े हैं। ढूंढते ढूंढते एक कुटिया देखी, कुटिया बंद है, संत महात्मा अंदर बैठे अपनी मौज में बैठे हुए। बाहर एक बड़ी, द्वार के बाहर एक बड़ी लकड़ी सी पड़ी हुई है, ये संत जो दर्शन करने गए हैं वहीं बैठ गए। एक घंटे के बाद द्वार खुला, टिक टिक नहीं, बेल नहीं, ये संसारियों के काम है, संतों के काम नहीं है। विदेशियों सुनो, संत किस प्रकार होते हैं और संतों के साथ किस प्रकार से डील किया जाता है। विदेश में जाके सब कुछ भूल गए हो आप, घंटी बजाओ, आओ जी बैठो, ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, घंटा आधा घंटा उसका बर्बाद करो, घंटा आधा घंटा अपना बर्बाद करो, ये संसार है।
एक घंटे के बाद संत महात्मा बाहर निकले। कैसे आना हुआ? संत ने पूछा। संत, एक संत ने दूसरे संत से पूछा, कैसे आना हुआ? दर्शन करने के लिए आया हूं महाराज, द्वार बंद। उसके बाद ये महात्मा फिर वही उसी बड़ी लकड़ी पर बैठ गए। दो घंटे के बाद फिर द्वार खुला। भीतर आ जाइए, भोजन तैयार है, भोजन करते हैं। उस संत ने इनको अंदर बुला लिया। धुनी लगी हुई थी, उसके पास दोनों महात्मा बैठ गए। भोजन भी चल रहा है, साथ ही साथ भगवत चर्चा भी चल रही है। क्रोध का निराकरण कैसे हो, अभिमान का निराकरण कैसे हो, ईर्ष्या को कैसे कुचला जाए, कैसे इसको मारा जाए, आपस में लंबी चौड़ी चर्चा। वे संत महात्मा शास्त्रों के पारंगत, 50 साल के अपने अनुभव से जटिल समस्याएं, जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। इनके मन में विचार आया, लोग ऐसे ही जाते थे, ये तो बड़ी उच्च कोटि के महात्मा है। संत ने कहा, अब हुआ ना, अब मेहरबानी करके आप प्रस्थान कीजिएगा, आपकी कृपा से हुआ महाराज। इसने कहा, जो कुछ भी हुआ आपकी कृपा से हुआ, आपकी कृपा से होता है तो चिमटा उठा लिया, खबरदार। परमेश्वर की कृपा हुई तो तेरा मेरे पास आगमन हुआ, तू आया। मैंने सोचा परमेश्वर की प्रेरणा से यह व्यक्ति आया था, आया है, वरना मैं तेरे से क्या क्यों बात करता, क्यों अपना समय बर्बाद करता, क्या लगता है तू मेरा? इस संत बता रहे हैं, परमेश्वर की कृपा हुई, तेरा यहां आगमन हुआ, संत का मिलन हुआ। परमेश्वर की कृपा होती है तो संत का मिलन होता है, शास्त्र पर चर्चा हुई तो मानो शास्त्र की कृपा भी हुई है। कहा महाराज, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सुना, अब इजाजत दें, चलता हूं, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, बाह पकड़ी बैठकर। परमेश्वर की कृपा भी है, संत की कृपा भी है, शास्त्र की कृपा भी है, साधु महा